नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डेबिट। मैं हूं नितिन कुमार। 24 के लिए जो राजनीतिक गणित है उसको भिड़ाने और बनाने की जो तैयारी है वो अब लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से चल रही है, लेकिन इस 24 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा ही केंद्र की राजनीति के लिए अहम रहा है। इस बार भी उत्तर प्रदेश की 80 जो लोकसभा की सीटें हैं उन सीटों को लेकर के जो विचार विमर्श मंथन है वो लगभग सभी तरफ चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विचार विमर्श मंथन में काफ़ी आगे निकल चुकी है। चित्रकूट के प्रशिक्षण शिविर की बात कर ली जाए या उनके कोर कमेटी बैठक की बात कर ली जाए या फिर जनता के बीच जाकर के नेताओं को क्या कहना है, कौन सी योजनाओं के बारे में बताना है, धरातल पर क्या हुआ है, इन सब के बारे में बात कर ली जाए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके इस बार ये जो टारगेट है 75 वाला इसको 80 में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों चित्रकूट में खुद इस बात का जिक्र किया कि हम लगातार इस मुहिम पर काम कर रहे हैं, इन योजनाओं पर काम कर रहे हैं ताकि देश प्रदेश में जो हमारी योजनाएं हैं उनकी कॉपी की जाए। कॉपी किस तरह से, आपने देखा होगा कि कर्नाटक में और उसके अलावा कई और प्रदेशों में जो बुलडोजर वाला मामला है वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं वो आने वाले 25 सालों के लिए हैं, कि आने वाले 25 सालों में इन योजनाओं से देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको कैसे बेहतर विकास की गति पर ले आना है, बेहतर विकास दिखाना है, रोजगार से जोड़ना है, इन सारी योजनाओं के लिए लगातार केंद्र सरकार भी और हम भी काम कर रहे हैं, और हमारा इस बार का टारगेट है मिशन 80। तो इस मिशन 80 के लिए जो उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो रास्ता कहीं ना कहीं सुशासन और विकास से होकर के गुजरता है। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में सुशासन, जीरो टॉलरेंस की नीतियों को अपना रही है। जो अधिकारी किसी भी तरह से किसी भी मामले में संलिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी बीती रात में ही कई ऐसे IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ और कानपुर के जो कमिश्नर थे उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप खुद सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते आए हैं, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते आए हैं, और इन सबके बीच जो पार्टी की गतिविधियां हैं, संगठन को कैसे मजबूत करना है उसको लेकर के भी लगातार बैठकें करते आ रहे हैं, और उन बैठकों में ये मूल मंत्र दे रहे हैं कि आखिर हमें काम कैसे करना है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में जो प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था उसके समापन में पहुंचे हुए थे, और वहां पर उन्होंने एक बात कही है। बात उन्होंने ये कही है कि एक वर्ग हमसे जुड़ना नहीं चाहता। ये वर्ग कौन सा है, इस वर्ग पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वर्ग कौन सा है, क्योंकि जब भी इस तरह के किसी एक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसमें वर्ग या विशेष वर्ग जुड़ जाता है तो एक विशेष समुदाय उसको अपनी तरफ ले लेता है और वो कहता है कि हमारे लिए बयान दिया गया था, तो क्या ये उसी वर्ग के लिए है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि हमारी नीति सबके साथ और सबके विकास के लिए है, हम लगातार सबके साथ और सबके विकास पर काम करना चाहते हैं और इसी वजह से हम लगातार सुशासन पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो मिशन 80 के तहत हम काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को विकास की गति पर ले आकर के एक नए उत्तर प्रदेश को जनता के सामने पेश करना है, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों में उनके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की दृष्टि में हो, जिसे हम और आप ODOP के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल अगर संगठन की बात करी जाए या उत्तर प्रदेश में BJP की बात करी जाए तो लगातार इनकी जो बैठकें हैं वो केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। 29 तारीख से 31 जुलाई तक इन्होंने प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर लगाया था। इसके पहले 27 जुलाई को कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसके पहले 24 जुलाई को BJP शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, उनके साथ बैठक करी थी। 17 जुलाई को लखनऊ में ही बूथ जो सशक्तिकरण है, अभियान है, उसका भी जो बैठक थी उसकी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की थी, और 2 जुलाई को हैदराबाद में BJP की कार्यकारिणी बैठक थी। तो BJP अपना जो मास्टर प्लान है वो लगभग तैयार कर चुकी है, लेकिन विपक्ष कहाँ है। उत्तर प्रदेश का विपक्ष जो कि 22 के चुनाव के बाद मजबूत दिख रहा था वो विपक्ष पूरी तरह से बिखर चुका है, उनके गठबंधन टूट चुके हैं, एक दूसरे की पोल खोलने का प्रयास चल रहा है बयानों के जरिए। ये कहा जा रहा है कि किसमें कितनी कौन सी कमियां हैं, कौन इसी में बैठा रहता है, कौन पैसा देकर के टिकट बेचता था, ये सारी चीज़ें जो हैं अब खुल करके खुले मंचों पर आ गई हैं। तो ऐसे में ये जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष के नाम पर कुछ था तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था,
वो गठबंधन टूट गया है, समाजवादी पार्टी अकेले है, वो किस तरह से टक्कर देगी, कांग्रेस बसपा इन सब का कुछ भी नहीं 2022 के चुनाव में हुआ है, अब ये 24 में क्या करेंगे, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इसी विषय पर आज की ये डिबेट है, आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाता हूँ, डिबेट को शुरू करता हूँ। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे, रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्रकूट में जो बयान दिया उसका मतलब गलत निकाला जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था 80-20 कहा था विपक्ष और विरोधियों के लिए विधायक विधानसभा चुनाव में। उन्होंने अपना मोटिव स्पष्ट किया है कि कुछ कतिपय लोग हैं जो खिलाफ हैं और वो बड़े मुट्ठी भर हैं, और उन्होंने हमेशा 75 पार का नारा दिया है और आज उसी पर वो कायम हैं, क्योंकि ये दिख रहा है चाहे महामहिम का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो, पूरे देश में विपक्ष इस समय बिखर गया है। विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरता जा रहा है, सबके घर से 500 करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, 2-2 किलो सोना बरामद हो रहा है, आधे आधे किलो की चूड़ियां बरामद हो रही हैं, किसी के घर पर 100 करोड़ का फ्लैट और 85 लाख का उसकी उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर दिखाया जा रहा है, कुछ मंत्री आरोपों में जेल में हैं। तो विपक्ष इस समय इतना घबराया हुआ है कि अपनी भ्रष्टाचार को उजागर होने से बचाएं या हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूं। अमित त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हैं, इजहार अली हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ेंगे, और आमिर साबरी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हुए हैं। इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। रजी हसन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि 22 के चुनाव के बाद आप लोग बड़ा डफली पीट रहे थे कि हम बहुत मजबूत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम विधानसभा में काम नहीं करने देंगे, हम सड़क पर उतर आएंगे। 2-3 महीना बीता, आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, सारा पोटेंशियल ख़त्म हो गया, और दूसरी तरफ देखिए जिनसे आपकी लड़ाई थी, जिनके लिए आपके बयान थे, वो कितनी तैयारी कर रहे हैं 24 को लेकर के, क्या है रोड मैप आपका? देखिए 2022 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष के रूप में एक बहुत बड़ा विपक्ष बना कर दिया है, और जो कि आज पूरी मुस्तैदी से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विपक्ष पूरी मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार है, और इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक पूरी तैयारी चल रही है। कैसी तैयारी है? कैसी तैयारी? देखिए तैयारियां हम अपनी इस चैनल पे माध्यम से आप सभी को बता नहीं सकते, तैयारी हमारी गोपनीय नहीं, आपकी तैयारियां तो दिखा करती है, क्योंकि आपके साथ ही आपसे अलग हो रहे हैं। अगर हम अपनी तैयारी अगर यहाँ बता देंगे तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं जो बहकाने का काम करते हैं, जो बलगाने का काम करते हैं, जो भड़काने का काम करते हैं, उनको एक और मौका मिल जाएगा और हमारे विरोध में वो और काम करने लगेंगे, जैसे कि जिस तरह का भड़काने का काम कर रहे हैं उससे और ज्यादा। अच्छा। समाजवादी पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनता को समाजवादी सदस्य बनाने का काम कर रही है, और आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को देश की कुर्सी से पहुंचने से समाजवादी पार्टी रोकने का काम करेगी। और इसके अलावा आपको नहीं लगता कि आप कमजोर हैं? बहुत कहां से कमजोर है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश देकर हम लोगों को उत्तर प्रदेश का विपक्ष के रूप में चुना है, और देश की कुर्सी के पहुंचने का रास्ता सीधा सीधा उत्तर प्रदेश से जाता है। जब देश की उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि विपक्ष के रूप की जिम्मेदारी दी है कि एक धोखे फरेबी लोगों से, धोखेबाज लोगों से, जुमलेबाज लोगों से अगर कोई मुकाबला कर, क्यों धोखेबाज जुमलेबाज ऐसा क्यों कैसे कैसे नहीं? हाँ। आप एक योजना उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बधाई, अपने घोषणा पत्र को जो पूरा ना कर सका 2014 से लेकर 2019 2014 2017 2019 और 2022, 8 साल 2 महीने की सरकार डबल इंजन की एक जमीन पर जनता के लिए सीधे जनता के लिए, आप सारे चुनाव हार गए। सुन लीजिए, आप बोलने नहीं दी, सीधे बता दिए 14 से लेकर 22 तक और 24 तक
जनता को बताएं एक जमीन पर जो जनता के लिए काम किया हो। आपने अग्निवीर लेकर आया योजना, आपने और जो है अग्निवीर लाए और जितनी भी योजनाएं लाए हैं उसमें युवाओं का क्यों खिलवाड़ हो रहा? ठीक है, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार, युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार, 2 करोड़ नौकरियां देने वाली सरकार, 15 लाख अकाउंट में देने वाली सरकार, ऐसी सरकार से उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जाग चुकी है। 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ देकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम। ठीक ठीक ठीक, आमिर साबरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। साबरी साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। हाँ साबरी साहब, आपका वीडियो लिंक टूटा हुआ है, उसको सही किया जाए प्लीज। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है, एक वर्ग हमसे जुड़ना नहीं चाहता है, ये वर्ग कौन सा है? इस वर्ग के बारे में मैं जानना चाहूंगा और इस तरह का बयान क्यों दिया गया? हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारी नीति है सबके साथ और सबके विकास की। देखिए नितिन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बहस में शामिल करने का जी। भाई ने इससे पहले बयान दिया था कि एक वर्ग, तो उस बार भी ये हुआ था कि एक वर्ग सिर्फ मुसलमान ही थोड़ी है, एक वर्ग के लिए उन्होंने कहा वर्गों में बहुत सारी जातियां आती हैं, बहुत से धर्म हैं। हाँ। लेकिन वो उन्हें वर्ग कह करके या तो वो चला रहे हैं कौम को और या फिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये कुछ गोलमोल सी बात नहीं लगती है आपको कि एक वर्ग ही क्यों वो कहते हैं बार बार एक वर्ग एक वर्ग? अच्छा, एक वर्ग की बात ही कहते हैं कि एक वर्ग ने वोट नहीं दिया, तो या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले झूठ बोल रहे थे कि मुझे मुसलमानों ने इस बार बहुत वोट दिया, 3 तलाक के नाम पर दिया और कई चीजें उन्होंने गिनाई थी, या फिर ये मान लिया जाए कि वो मुख्यमंत्री जी अब झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें वोट नहीं, एक वर्ग ने वोट नहीं दिया। आखिर ये दो तरीके की दोहरे मापदंड क्यों नितिन जी? बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात, वोट ना देना ना देना, देखिए अभी योगी से लेके मोदी जी तक ने कहा था मुझे 11% उत्तर प्रदेश में इसमें विधानसभा में वोट मिला। उससे पूर्व उनका ये बयान था कि हमें 9% वोट मिला लोकसभा में 2019 में। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं लगता कि सबका साथ सबका विकास लेकर के सरकार काम कर रही है, आप लोग का भी विकास हो रहा है? नहीं नहीं, ये तो ये इससे खूबसूरत नितिन जी कोई छलावा है ही नहीं, सबका साथ सबका विकास। क्यों इसको छलावा क्यों कह रहे हैं? सबका विकास है, ये छलावा इसलिए है, सुन लीजिए कि 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं। हाँ। एक भी ने मुसलमान नहीं मिला जिसको ये चुनाव टिकट देके चुनाव लड़ाते, कोई नहीं एलिजिबल लगा होगा उस हिसाब से। नहीं, नहीं नहीं, सबका विश्वास भी सुन लीजिए, एक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट वो भी मंत्री नहीं है, तो ना तो ये सबका विकास हो सकता है नीतीश जी। हाँ। ना सबका साथ हो सकता है, ना सबका विश्वास हो सकता है, ये सिर्फ एक छलावे का नारा है और ये बहुत खुला हुआ धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल वोटरों के साथ ठगी की जा रही है। ठीक है ठीक है, अमित त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी से। अमित भाई, आपने दोनों की बात सुनी, रजी हसन की भी, वो कह रहे हैं कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग उसमें सेंधमारी कर देंगे, और आमिर साबरी ये कह रहे हैं कि हर बार आप लोग एक छलावा पेश करते हैं और ये भी छलावा ही है कि आप लोग सबके विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आमिर साबरी की बात का जवाब देना चाहूँगा क्योंकि वो मुस्लिम स्ट्रॉन्गर आपने टीवी पर लिखा हुआ है, तो मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि वो टीवी पर बैठे तो जो उनको सुनेगा तो एक मुसलमानों में जिस तरीके से वो एक मुसलमान विरोधी माननीय मुख्यमंत्री जी को साबित करना देना चाहते हैं, वो उनकी सोच को प्रदर्शित कर रहा है। जहाँ तक की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बयान किसी समाज या किसी धर्म से जुड़कर नहीं है, वो केवल और सिर्फ है जो आज देश के विकास में कहीं ना कहीं घोड़ा बन गए हैं, जो आज देश में विकास नहीं चाहते हैं, जो वो लोग हैं जो आज देश में आग लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से कोई भी कानून बनता है उसका विरोध करने सड़कों पर उतर जाते हैं और आगजनी करने लगते हैं, ऐसे लोगों की तरफ इशारा था। लेकिन जितनी सोच होगी इंसान उतना ही सोचेगा, उसमें कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जहां तक की बात है विकास की, देखिए मैं रजी हसन जी की बात सुन रहा था, इन्होंने अभी कई चीजें समझा दी, तो हम 2014 से ये भाषण सुनते चले आ गए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही सुनते चले आ गए, अभी ये कह रहे हैं हम विपक्ष में आए, हमको विपक्ष में मौका दिया है देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने कि हम काम करें और मोदी जी को रोक पाए। लेकिन जिस समय 2014 का चुनाव होगा था उस समय तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उस समय नहीं रोक पाए, तो आज ये 2014 से जो सपने संजो गए हैं कि हम 2014 में ये सपने देख रहे थे कि हम सत्ता पर मोदी जी को नहीं आने देंगे, फिर इन्होंने 2017 में कहा योगी जी को या मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं बनेगा, फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ वहां भी सपने दिखाए, फिर 2022 अभी 3 महीने हुआ है, आपने देखा देश की जनता ने किस पर भरोसा किया? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है
और ये देश की भी जनता जानती है, प्रदेश की भी जनता जानती है। आज प्रदेश और देश एक साथ मिलकर डबंग इंजन की सरकार, जिस तरीके से अभी इन्होंने युवाओं की बात की, जिन युवाओं के ऊपर ये 2014 में यही प्रयागराज में लाठियां चलवाते थे, हमारी सरकार ने उनको रोजगार देने का काम किया, सौगंधवन बनाने का काम किया। देखिए देखिए तरीके से डिबेट करिए, मैं भी अपनी बात करूं, उसके बाद आप कहिएगा, नहीं तो आप भी नहीं पाएंगे। राजेशन जी देखिए प्लीज वन बाय वन बाय किसी को नहीं दूंगा, ये सब चीजें मत करें, नहीं धमकाने का काम नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किस मुंह से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2014 में आप 2014 से मुंह की खा रहे हैं, आपकी हैसियत नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बार बार नकारा है, लेकिन आप झूठे सपने दिखा रहे हैं। आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, आप गुंडे, आपको तो हैसियत दिखाने का काम आपके चाचा ने कर दिया है। आप किस मुंह से इस तरीके की बात कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। आप जैसे लोगों को प्रदेश की जनता न देखना चाहती है न सुनना चाहती है, आप इनको बौखला गए हैं, आपके नेता बौखला गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। देखिए किसी तरीके का कोई संशय नहीं होना चाहिए, समाजवादी पार्टी आज तीन पर है, आने वाले 2024 में शून्य पे आएगी। ठीक है प्लीज, हो गया, थैंक यू, हो गया आप लोगों का। आमिर साहब भी क्या कहना चाह रहे थे, आमिर भाई सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, आमिर साहब भी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ठीक कहीं दूर तक नहीं दिख रहा है इन्होंने कहा था कि हम मदरसों में एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। आज तक वो भी सुविधा नहीं दी गई, योगी जी को भी 5 साल के बाद दूसरा टर्म साफ हो गया, 5.5 साल हो जाने, योगी जी भी मदरसों के नाम पर सुंदर के नाम पर ये भी बताने का, अरे सुन लीजिए, बंद किया गया है जहाँ पर फर्जी होती थी, देश विरोधी पैसा लगता था, ये भी बताने की बात कीजिए। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं, आप केवल यहाँ पे मुसलमानों के विरोधी साबित करने के लिए सरकार को बैठे हैं, नहीं कोई नहीं, कौन से उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश में बताइए मुझे, 2017 के बाद मुसलमान प्रताड़ित हुआ मुझे बताइए, 2017 से पहले अनेकों दंगे उत्तर प्रदेश में होते थे जहां मुसलमानों की हत्याएं होती थी, तब आपके मुंह कहां घूमते थे, तब आप बंद रहते थे, तब पैसा लेके बंद रहते थे, टीवी पे नहीं आते थे, कुछ नहीं होता महाराज, कुछ नहीं होता, चिल्लाने दे, झांकिए आईना देखिए, आप जैसे लोगों से आईना देखने की जरूरत नहीं है, आपके विचार आपके तरीके को देश जानता है, आप वो लोग हैं जो देश में आग लगाने की बात करते हैं, आपकी जिस तरीके से आप टीवी पर बात कर रहे हैं वो दिखा रहा है हमको कि आप केवल देश विरोधी लोगों के साथ खड़े होने में लोग हैं, देश में कैसे आग लगे उसको उकसाने वाले लोग आप हैं। अरे आप मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप मत सुनाइए, देश की जनता सुन रही है, प्रदेश की जनता सुन रही है, वही तय करेगी कि कौन होगा 2024 का सिकंदर। आप जैसे लोग कहीं टिकते नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ना आपको सुनती है प्रदेश की जनता, ना 2024। ठीक है प्लीज, ठीक है ठीक है साबरी साहब, ठीक है ठीक है साबरी साहब, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, ठीक है साबरी साहब, ठीक है। बेशर्मी की तो बात आप मत कीजिएगा, कितने बेशर्म है वो देश की और प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है साबरी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है। अरे हो गया भाई प्लीज, ठीक है थैंक यू, मैं आऊंगा साबरी साहब आपके पास। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। अभिषेक भाई, आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं और जिस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में बीजेपी काम कर रही है, उसके मुकाबले मौजूदा विपक्ष कितना मजबूत है, कितनी टक्कर दे पाएगा? देखिए नितिन जी, पहली चीज तो ये कि अब जो लड़ाई होनी है या जो अगला टारगेट है वो प्रदेश का नहीं, वो तो पूरे देश की बात करने वाली बात है। कई सारी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां भी कुछ जो अपने आप को कहती हैं नहीं रह गई अब या ना रहने की कगार पर आ चुकी हैं, तो सबको देखने की जरूरत है। मैंने 2000 जब ये 22 का इलेक्शन हुआ था उसके बाद आपने मुझे बुलाया था, तब भी मैंने एक बात कही थी कि एक बहुत मजबूत विपक्ष की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जनता खुश बहुत है सरकार से, आप भी पत्रकार हैं, निकलते होंगे, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं, खुद भी वोटर हूँ, बात करता हूँ, लोग बताते हैं, उनको एक बात वो कहते हैं कि हाँ बात तो गड़बड़ है, सरकार की ये नीति तो गड़बड़ है, लेकिन क्या करें, किसको दे दें, राहुल गांधी जी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, अखिलेश यादव जी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जनता को विपक्ष आपका कोई एक चेहरा अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है, जनता के बीच में विश्वास नहीं बना पा रहा है कि हाँ इनके विकल्प के तौर पर मैं मौजूद हूँ, और शायद इसका फायदा सत्ता पक्ष को कायदे से मिल रहा है, वरना
अगर आज विपक्ष मजबूत होता तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, अगर आज विपक्ष मजबूत होता, मात्र डेढ़ साल बचा है सरकार के इलेक्शन आने के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने में, और जीएसटी 12% कर दी गई, पेट्रोल कहां पहुंच गया, रुपया किस स्तर पर जा रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। विपक्ष को नहीं इस चीज को जनता के बीच में ला पा रहा है, जनता को नहीं समझा पा रहा है। आप देखिए ना, 2014 से लेकर अब तक, अभी जो रजी हसन जी ने कहा बात सही कहा कि बहुत सारे वादे किए थे सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने किया था। सवाल यह है भैया कि यह बात टीवी डिबेट में नहीं कहनी है, ये बात आपको एसी कमरों से निकल के जनता के बीच में जाके बताने की जरूरत है। मैं इस बात की तारीफ करता हूं, एसी बोल दिया, नाराज हो जाएंगे। नाराज होने की बात नहीं, अगर वो होते हैं तो मैं, देखिए मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और ना कोई राजनीतिक रूप से वो लगा रहा हूं, लेकिन ये सच है, इस चीज को हदीजा को मानना पड़ेगा, और ना माने तो जनता देख रही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कि अभी दो साल है, आप अभी बैठे हैं शांति से, आपको कहीं नहीं देखा जा रहा है, आपका कोई सम्मेलन नहीं दिखाई पड़ा, आपका कोई रोड शो नहीं चल रहा है, आपका कोई संघर्ष नहीं चल रहा है, आपका कोई सरकार के विरोध कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, और ये सत्ता में रहते हुए अभी से ही संगठन के प्रोग्राम इनके शुरू हो गए, दो साल है इलेक्शन को, और हमेशा से रहा है, ये अभी की बात नहीं है। वो 17 का इलेक्शन रहा हो, 19 का इलेक्शन रहा हो, वो 22 का इलेक्शन रहा हो, मतलब 14 से कंटिन्यू जितने भी इलेक्शन हुए, जहां कहीं के भी हुए, बीजेपी देखिए सालों साल इलेक्शन लड़ती है, डे फर्स्ट इलेक्शन लड़ती है, और आप जब इलेक्शन आता है तब इलेक्शन लड़ते हैं, इस चीज को तो स्वीकार करना पड़ेगा विपक्ष को, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, मैंने 22 के जब इलेक्शन खत्म हुआ तो उसके बाद भी कही थी कि एक चीज तो साबित हो चुकी है कि आराम तलब राजनीति अब नहीं रहेगी, राजनीति करनी है तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, राजनीति करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, थोड़ी बहुत अगर आज जनता को है तो अखिलेश यादव जी से है, तो अगर राजनीति करनी है तो उनको मुलायम सिंह यादव से सीखना पड़ेगा, उनको मुलायम सिंह की यादव की 70 से 80 के दशक की राजनीति याद करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और उस राजनीति में उतरना पड़ेगा अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रथ को रोकना है तो। और यही चीज पूरे देश पर लागू होती है, यही चीज कांग्रेस पर भी लागू हो रही है, और यही चीज आम आदमी पार्टी पर भी लागू हो रही है, यही चीज हर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके ऊपर लागू हो रही है, क्योंकि जनता के बीच में इनके, देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी 2014 में, इन्होंने कहा था ना कि जब रुपया स्तर, जब सरकारें भ्रष्टाचारी होती तब महंगाई बढ़ती है, तो आज क्या बात है। इन्होंने ही कहा था कि मुलायम सिंह, मनमोहन सिंह जी की उम्र पार कर जाएगा डॉलर, उनकी नहीं कर गया लेकिन आपकी कर गया, कई गुना ज्यादा, आपकी उम्र से ज्यादा चला गया डॉलर, कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं है। नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिस चौराहे पर कहेंगे मैं आके आपको खड़ा हो जाऊंगा, उसका 19 का इलेक्शन आया, 22 का इलेक्शन आया, क्या मोदी जी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किसी मंच से नोटबंदी का फायदा गिनाया, लेकिन विपक्ष भी इसको भुना नहीं पाया। किसी विपक्ष की पार्टी से मैंने नहीं पूछा कि नोटबंदी का कोई प्रश्न पूछा गया हो, आपने दुनिया भर की बातें की, 2022 के इलेक्शन में भी बहुत सारी बातें अखिलेश यादव जी कहेगी, मगर मुद्दों से भटके रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, इजहार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाषपुर से। इजहार भाई, ये रजी हसन समाजवादी पार्टी से बैठे हुए ये कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी को 24 के चुनाव में रोकने के लिए, ये आपको तो रोक नहीं पाए, शिवपाल यादव को रोक नहीं पाए, अब ये कह रहे हैं मोदी जी को रोकेंगे। ये इसी पे इनका चलता रहेगा, ये मुसलमानों को डर दिखाएंगे और ये वोट ले लेंगे, भाजपा जीत जाएगी, इनका खाता नहीं खुलेगा, और उसके बाद जब मुस्लिम समुदाय पे जब अत्याचार अन्याय होगा तब ये चुपके घर में ऐसे पड़े रहेंगे। देखिए सवाल ये, सवाल वो नहीं है, ये इनकी रणनीति हमेशा रही है। देखिए सवाल ये है, आज सारे विपक्षी दल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है, इनसे जमीन खिसक चुकी है कि आज अति पिछड़ी जात पे एक नेता जो पिछड़ों दलितों और दलितों अल्पसंख्यकों की आदिवासियों की आवाज बन के उठा है, आज देश और प्रदेश में अपनी स्थापित छवि स्थापित की है, आज इनको डर है कि हमारे हमारे वोट वोट में खिसक जाए दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ी और दलित समाज से, तो इनको इनको ये सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे। आज जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 27% जो पिछड़ा वर्ग में है, इसमें 7% पिछड़ा और 9% पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा, इसकी बात जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन में उठाते तो किसी दल के नेता, किसी जो इनके ही राजभर समाज के जो विधायक और मंत्री है, ये इनको उठाने काम नहीं करते, न साथ देते हैं, तो आज इनकी जमीन खिसक चुकी है। ये सामाजिक उनकी शिक्षा बेरोजगारी बात नहीं करेंगे, बस हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान वोट ले लो। अरे आप ये बताइए, आजादी के समय मुसलमान 38% था नौकरियों में, आज 70 की कमेटी की रिपोर्ट है कि दलितों से बदतर है मुसलमानों की स्थिति, पिछड़े अति पिछड़े दलितों को कितनी नौकरियां दिया, अति पिछड़ों को कितना इंस्पेक्टर और हवलदार और सिपाही लेखपाल कानून को कितना बनाया,
लेकिन इसी प्रण के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे अपने समाज से और जो हमारी स्थापना हुई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना वो इसी मुद्दे पे हुई है कि हम जब तक पिछड़ों अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को और दलितों को पिछड़ों को जब तक हम न्याय नहीं दिला देंगे तब तक चुप बैठने वाले नहीं है। लेकिन इनके एक जो कि अब इनकी क्या करेंगे आप लोग आगे? नहीं, हम जनता के साथ गठबंधन में है और उनकी आवाज उठाते रहेंगे, इनके हक हकू अधिकार के लड़ते रहेंगे। हाँ। और जय लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हम अपने सपा वाले कह रहे हैं आप लोग बीजेपी की ही बात बोल रहे हैं। अरे काहे बीजेपी वाले, अरे तो सपा वाले रजी हसन जी बताएं अभी 2022 के चुनाव में हमारी इनकी खटास कहां से हुई? अब पिछड़ों को कितने टिकट दिया इन्हें? कश्यप कहार धोबी धानुक और खटीक पासी कितने कितने टिकट दिए इन्होंने बताइए पश्चिम में? हमारी जब ये पहली लिस्ट जारी हुई तभी महिंद्र तो हमारा चलने लगा भाई। आप जब टिकट आप बताओ, आप भागीदारी वोट देने की बात करते हो और हिस्सेदारी देने की बात नहीं करते हो। वोट दे दो बस, वोट दे दो, हिस्सेदारी हम नहीं देंगे, ये कैसे चलेगा? आप मुसलमानों से डर दिखा के भाजपा का वोट ले लेते हो और उस टाइम उनकी हिस्सेदारी देने की बात आती है तो आप ये 1217 पांच साल सरकार चलाए ये बताए इसीलिए वो अलग हो गए, सारे दर्द है उनके। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तब ये इजहार भाई रजी हसन कह रहे हैं आप लोग की ख्वाहिशें बड़ी हैं इसी वजह से आप लोग का दर्द निकल रहा है। अरे चीज, अरे हमसे इतना मजबूत साथी इनको कहाँ मिलता? अरे इन्होंने तलाक दिया ना, हमने तो नहीं छोड़ा। अभी कहाँ छोड़ा हमने? राष्ट्रपति के अब कैसे छोड़ेंगे आप? पत्र जारी कर दिया आपने, वो कैसे छोड़ेंगे? अभी कहाँ छोड़ा हमने आपको जी? आप चैनल पे बताइए क्या मैंने छोड़ दिया आपको? अरे आपने तलाक लेटर नहीं जारी किया? तलाक लेटर कहाँ जारी किया? जहाँ जाना अभी लिखित तलाक नहीं हुई और कहीं क्या? अरे भाई कहाँ तलाक दिया भाई मैंने? अभी आपको अभी तलाक 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 हुई है, लिखित नहीं हुई कर लिया। अच्छा आप ये कह रहे हैं हलाला करके आ जाइए, इसी तलाक पे तो मोदी जी ने बैन लगाया है। अरे तो मोदी जी ने बैन लगाया, आपने लेटर जारी किया नहीं जारी किया? हम आपसे क्या अलग हुए? हमारी लड़ाई आप हमसे अलग नहीं है। आपको हम बता दे माननीय अखिलेश यादव को निकाल, आप अगर पिछड़ों की बात करते हैं तो हमसे अलग नहीं है। परपक नेता है आप, अगर दलित की बात करते हैं तो हमसे अलग नहीं है। इसकी बात करते हैं, हमारी लड़ाई है आप, हम इनके साथ मजबूती के साथ सरकार विरोधी बात करते हैं तो हमसे अलग नहीं है, हमारे साथ हैं आप। किसकी बात करते हैं वो? और परेशान ना होइए इजहार साहब, अब हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अरे हम कैसे मिलकर चुनाव लड़ोगे यार? परेशान ना हो, किस ख्वाब में आप पड़े हो यार? अजीत साहब ये आपका हलाला करने के लिए लगाए हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है उनका मजाक बना रहे हो। देखिए आपकी मानसिकता तो निकली आई सामने। अरे क्या मानसिकता निकली बताइए आप? बताइए आप, बताइए आप पिछड़ों को आप हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हो? हम पिछड़ों के साथ हैं, ओम प्रकाश जी के साथ हैं। इजहार अली साहब सुना है राजभर साहब के बेटे को एमएलसी बनाया जा रहा है? सम्मान की बात है, जहाँ जिसको ज्यादा सम्मान मिलेगा वो वहाँ जाएगा। आपको मुझे लाभ, आप एक तरफ कह रहे हैं उनकी ख्वाहिशें बढ़ी है, फिर आप ये कह रहे हैं जहाँ सम्मान मिलना वहाँ जाए, फिर ये भी कह रहे हैं कि हमसे अलग नहीं है। विपक्ष के दल में बैठे हैं हम लोगों के पास क्या है देने के लिए? ठीक है, ठीक है अमित भाई, मगर ख्वाहिशें जब बड़ी होती है तो उसके पास सम्मान छोटा हो जाता है। ठीक है, हो गया और पिछड़ों की जो लड़ाई हमारी है वो जारी रहेगी। समाज ठीक है सर भाई, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। ठीक है सर भाई, कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठीक, मैं आऊंगा अमित त्रिपाठी। देखिए नितिन भाई जी, अभी पिछड़ों अति पिछड़ों की बात हो गई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए थे समाजवादी पार्टी के। मैं आज ही आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप भी बताइएगा कि मैं गंगा एक इन्होंने प्रत्याशी दिया है कीर्ति कोंग, जो अभी आज भी नामांकन उन्होंने करके आए, वो एक आदिवासी समाज से आती है, अति पिछड़ों में आती है। आप भी जानते हैं कि किस तरीके का इन्होंने उनके साथ एक षड्यंत्र रचा और एक महिला का अपमान करने का काम किया, वो किस तरीके से? जब इनके पास वोट जिताने के थे तब इन्होंने उस प्रत्याशी का नाम कहीं पर नहीं भेजने का काम किया, और आज
जब वो प्रत्याशी कहीं से नहीं जीत रहा, इनके पास वोट नहीं है, तो कीर्ति कौम को आगे करके इन्होंने केवंग और केवंग छंगावा किया है, एक महिला का अपमान किया है, कहीं ना कहीं ये दलित पिछड़ों का अपमान करने वाला किस तरीके से बिगोद है, क्योंकि वो कहीं से नहीं जीत रही है, केवंग एक डमी के रूप में उनको खड़ा करके किस तरीके से अपमान किया, ये इनका दोहरा चरित्र है और इनकी करनी और कथनी में फर्क आपको साफ दिख जाएगा। अब यहां बात हो गई थी कि नोटबंदी की, नितिन भाई 2016 में नोटबंदी हुई थी, और अगर कोई सरकार कोई फैसला लेती है तो उसका सबसे बड़ा होता है कि जनता उसको किस तरीके से लेती है। उसी के बाद 2017 का चुनाव हुआ था, कितनी बंपर जीते, सीटें आई भारतीय जनता पार्टी को, सरकार हमारी बनी। ये कह रहे हैं मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, अरे मोदी जी ने सब कर दिया 2014 2019 और जितने भी चुनाव हो गए उत्तर प्रदेश और चाहे और राज्यों में, वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है, क्योंकि उसको पता है कि देश का भरोसा मोदी जी में, और मोदी जी ने जिस तरीके से आज भारत की छवि इंटरनेशनल पटंग पर बनाई है वो किसी से छुपा नहीं है। आज चाहे महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो गए हो, जिस महिला जो अपने घर में गैस चूल्हा देख नहीं सकती थी, देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि कुछ लोग बौखलाए गए हैं टीवी पे तो वो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। जहां तक की बात है, अभी इन्होंने कहा महंगाई बढ़ गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप घर बनवाने के लोन लेते हैं तो 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती है, प्रधानमंत्री आवास फ्री में लोगों को देने का काम कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। किस तरीके से आज जो आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों को देने का काम कर रही है, फ्री में से इलाज कराने के लिए अगर कोई देगा तो वो मोदी जी की सरकार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे देने वाला राज्य बना है देश में, तो उत्तर प्रदेश है। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, तमाम एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट, आज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा, मेडिकल कॉलेजेस बन गए किस तरीके से, जहां आजादी में, आजादी के बाद से 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज 59 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार है। देखिए कहने वाले आरोप लगाने में कहते हैं, लेकिन मैं आपसे टीवी चैनल पे आपके सबसे कहना चाहता हूं कि आखिर अगर कोई फैसला सरकार लेती है तो जनता बाद में तय करती है कि क्या करना, और जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि भरोसा ही जब भारतीय जनता पार्टी में, और ये विपक्ष किया किस मुंह से बात करते हैं, ये लोग तो केवल और केवल खाना पूर्ति करने आए, एसी कमरों में बैठ के अपने चाचा अपने पिता। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी आपने संगठन की, एक मिनट बस, अभी इन्होंने कहा कि संगठन इनको लड़ना चाहिए, तो जब संगठन होगा तब तो लड़ेंगे ना, क्योंकि परिवारवाद वाली पार्टी है, इनका बच्चा भी पैदा होता है तो उसको कह दिया जाता है तुम विधायक बनोगे, तुम मंत्री बनोगे, तुम फंगाना बनोगे, तुम ढमकाना बनोगे, आम कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलती है, इनका कोई मुख्यमंत्री यादव से हटके बन नहीं सकता है, केवल बनेगा तो अखिलेश यादव ही बनेंगे, अखिलेश यादव के लड़के बनेंगे, शिवपाल चाचा जिन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी वो धरातल पे, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है, इस तरीके की चीज है, इस तरीके के लोग जो अपने के नहीं हुए, मैं प्रदेश की जनता के क्या होंगे, ठीक है ठीक है। मिश्रा जी क्या बड़ा दर्द है चाचा, हाँ अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे शायद उन्होंने मेरी पूरी बात को ठीक से सुना नहीं, या शायद सुनना चाहते नहीं है, और अगर मेरी बात इतनी बुरी लग रही है तो स्पष्ट तौर पर दो लाइन की बात जो मैंने पूछा था बता दिए होते। मैंने ये कहा कि विपक्ष जनता के बीच में अपना विश्वास नहीं जगा पा रहा है, मैंने कहा कि आपको वोट जनता ने नहीं दिया, मैंने कहा कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आपकी कार्य करने की क्षमता अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता बहुत खुश है, मैंने ये बात कही थी। अब आप बारे में अपनी योग्यताएं नहीं है, हाँ तो आप जरा बता दीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा था कि डॉलर जो है मनमोहन सिंह की उम्र गिरा देगा, आज क्यों बढ़ गया, क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा था कि जब सरकार भ्रष्टाचारी होती तब महंगाई बढ़ती है, क्या आपने संसद में जा करके चूड़ियां नहीं भेजी थी मनमोहन सिंह जी को महंगाई के लिए। अच्छा अब आप बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की, बहुत ना बताइए अभी हो करके आ रहा हूँ, मेरे पिताजी भी भर्ती थे, मुझे पता है आयुष्मान का हाल, आयुष्मान में ऑपरेशन कराने आप जा रहे हैं तो आधा जांच करा के छोड़ दिया जाता है, दो दो दिन तीन दिन पेशेंट वहां बिस्तर पर पड़ा है, आधा इलाज कराए, जब पैसा आता है तीन दिन, अरे आप एक कैशलेस कार्ड जैसे हेल्थ स्कीम चलती है वैसे कर दिए होते, या डॉक्टरों को आप इंस्ट्रक्ट कर दिए होते कि तो फिलहाल ट्रीटमेंट चलाओ लेकिन ऑपरेशन के लिए एडमिट तब करो जब पैसा आ जाए, आप आधा इलाज में, जैसे कि अगर कोई किसी को जो है वो एंजियोप्लास्टी करानी है तो एंजियोग्राफी का पैसा वो जमा कर दे, उसकी एंजियोग्राफी हो जाती है लेकिन एंजियोप्लास्टी नहीं होती है, एंजियोग्राफी करके छोड़ दिया जाता है, वो बिस्तर पर पड़ा रहता है दो दो दिन तीन दिन लगता है इनके आयुष्मान आने में, पक्का पैसा आने में, और उसके बाद दोबारा से एंजियोप्लास्टी की जाती है, फिर से चीरा जाता है और फिर से डाला जाता है, तब वो स्टंट पड़ते हैं जो एक ही दिन में पड़ सकते थे, ठीक है जवाब। सब्सिडी की बात 2014 में जब जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब सब्सिडाइज रेट इस देश में सरेंडर का 450 रुपए था,
आज की तारीख में 1100 रुपए है और सब्सिडी आती है 35 रुपए। गैस की सब्सिडी को अपनी पीठ जो ठोक रहे हैं आप, 35 रुपए और 40 रुपए सब्सिडी आ रही है और सबको वो भी नहीं आ रही। जवाब ले ले, जवाब ले ले मिश्रा जी, जवाब ले। हाँ अमित भाई क्या कह रहे हैं आप? सीधे सीधे एक अभी बात कर रहा हूँ, आपको मेरी बात बुरी लग रही है, आप सीधे सीधे बता दीजिए कि क्या मोदी जी ने बात नहीं कही थी, एक चीज। और दूसरी चीज की नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, भ्रष्टाचार कहां खत्म हो गया, आतंकवादी घटनाएं कहां खत्म हो गई, पत्थरबाजी कहां खत्म हो गई, वो आप बता दीजिए। आप स्टेट फॉरवर्ड बताइए कौन से ऐसे प्रोग्राम और राजनीति हुए प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का नेता इलेक्शन में खड़ा होकर नोटबंदी के फायदे गिनाए जनता के बीच? ठीक है अमित भाई, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जिस चौराहे पर सब कुछ खड़ा हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप कह रहे हैं मोदी जी ने कहा था जिस, किस विपक्ष के नेता ने कहा कि नोटबंदी के फायदे? तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा था कि विपक्ष नहीं गिना पाया, तो आपको मिर्ची लगने लगी। तो मुझे क्यों मिर्ची लगी? आपने ऐसी बात नहीं कही, गलत किया। मैंने तो कहा कि विपक्ष कमजोर है, तो विपक्ष का तो मैं खुद कह रहा हूं। आपको क्यों लगा? आपको मोदी जी को कुछ अच्छा ही नहीं लगा? आपको विरोध करने के लिए आए हैं? चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, बस इनका विरोध ना करो, सरकार बनाएंगे, बहुत अच्छे हो, बहुत बनाएंगे, प्लीज बहुत अच्छे हैं। आप यहां के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इन्हें सुना लिया कि नहीं? प्लीज एक एक करके, प्लीज प्लीज एक एक करके, ऐसे नहीं भाई, एक एक करके आप बताइए, प्लीज एक एक करके, प्लीज। मैंने आपको आपको क्यों इतना नहीं, तो आप क्यों इतना बड़ा बकवास कर रहे हैं? इतना लग गया मेरी बात पर? अरे भैया क्यों कर रहे हो आप? जब काम नहीं कर रहे तो मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। काम किया नहीं, एक एक करके रजिया चाची, रजिया चाची बहुत किया, काम बहुत किए, कारनामे नहीं किए समाजवादियों की तरीके से, इसलिए आपको दर्द है। और जहाँ तक की अभी भ्रष्टाचार पे बात आई, मैं एक चीज बता दूं, आप भी वकील है जगह पता कीजिएगा, पुराने समय में पकड़े तो गए, पकड़े तो गए, किसी नेता का संरक्षण तो नहीं है, किसी मंत्री का संरक्षण तो नहीं है? इस तरीके से, इस तरीके से 2017 के पहले, इस तरीके को क्या बता? नहीं नहीं, दूसरे को कह रहा बोलने नहीं दे, तो क्यों सुन रहे हो? हमने बोला था बीच में, बच्चा जवाब के लिए उन्होंने कहा था, प्लीज एक एक करके, नहीं नहीं, तरीका नहीं, तरीका आप नहीं समझाएंगे, आप मुझे मत, नहीं आप मुझे नहीं समझाएंगे, आप भी नहीं समझाएंगे, आप नहीं समझाएंगे, मैं बीच में नहीं बोला था, आपको समझाएंगे, नहीं मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। वन बाई वन, प्लीज वन बाई वन, भाई आपने मुझे हो गया रजिएशन, प्लीज रजिएशन, मैं आऊंगा आपके पास। नितिन जी आपने मुझे कहा था बात करने को, ठीक है पूरी कर लीजिए। जहां तक की बात है, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, लेकिन आप भी जानते हैं कि किस तरीके से पूरे विश्व ने तो कोरोना का एक जो कहर है वो झेला है। आज केवल भारत पे नहीं, पूरे विश्व में आर्थिक संकट कहीं ना कहीं, और श्रीलंका जैसे हाल आपने देखे हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन जहां तक की बात है कि अभी इस तरीके में भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई नहीं, अरे नितिन जी आप एंकर हैं, आप मुझे गलत ठहरा दीजिए अगर मैं कह रहा हूं, क्या इतिहास भारत में उत्तर प्रदेश जब से बना है, आप मुझे बताइए कि क्या सबसे ज्यादा कोई अगर कहीं सस्पेंड या बर्खास्त हुआ, सबसे ज्यादा अगर कार्रवाई हुई है तो 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हुई है। जहां तक की बात है कि लोगों की, जहां तक की बात है, देखिए आयुष्मान की बात, आयुष्मान भारत की जहां तक बात है, आयुष्मान में मुझे नहीं पता ये कहा गया, मैं भी यही रहता हूँ और यहीं पे मैं भी समाज सेवी में लोगों के साथ जाता हूँ, कई जगह पर हो सकता है उनके साथ हुआ हो, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आयुष्मान का पैसा तुरंत भी आता हो, कार्रवाई भी होती, तुरंत एडमिट करते हो, इलाज भी होता है। तो केवल केवल निगेटिव उसमें आना है तो आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन जो चीजें हैं उसको भी हमें जिम्मेदारी से मानना होगा कि सरकार ने जो चीजें करी है। काउंटर काउंटर काउंटर, ईमानदारी की बात कही जा रही है, अब जी जल्दी से करिए, फिर आगे चौकीदार की बात कही जा रही है। स्विस बैंक में इस देश से काला धन 1.5 गुना हो गया, क्या हुआ था, कैसे हो गया? ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी देश होकर भाग कैसे जाते हैं? 20-20 करोड़, 50-50 करोड़, 500-500 करोड़ रुपए के घोटाले का बैंकों के निकल के कर्जे नहीं आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? ये स्विस बैंक में 1.5 गुना आप की सरकार आने के बाद कैसे हो गया और देश का कर्जा कैसे बढ़ा? जवाब ले ले, समय कम है, देश का कर्जा कैसे बढ़ा रहा है? समय भी कम है, समय भी कम है, जिसका इन्होंने नाम लिया है, मैं आ रहा हूं रजीव, उनको लोन देने का काम उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम ने किया था, उस समय तो ये चुप थे, आज इनके दर्द है, देखिए हाई कोर्ट का आदेश है महोदय 11/3/2022 का कि भर और राजभर जाति को अनुसूचित जात में
अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। हाँ। और यही बात जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभरी सदन के अंदर उठाते हैं तो जितने भी चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी जितने भी राजभर समाज के जो विधायक मंत्री वहां बैठे हुए थे होते हैं वो एक एक बार भी इसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। तो क्या मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या पत्रकार महोदय उनसे भी ये बात पूछेंगे जो राजभर समाज का जो ये ठेका लेके बैठे हैं कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भर और राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए आखिर क्यों नहीं इसको शामिल किया जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं जिस बात को मेरे माननीय राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर जी चुहेल जो भारतीय समाज पार्टी की स्थापना हुई है कि पिछड़ा दलित अर्धदलित अर्ध पिछड़ा अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए उनसे उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी चिकित्सा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसी प्रतिबद्धता के साथ नहीं तो मौजूदा सरकार तो कह रही है ना कि सबका साथ सबका विकास हो तो सबको साथ में लेकर चल रही है। नहीं तो ये जो आदेश हुआ है आखिर इसको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है राजभर समाज को ये भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बताएंगे भाई सरकार उनके इसको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं जब हाईकोर्ट ने आदेश ठीक है। मैं जवाब ले लूं इजहार भाई अमित भाई देखिए नितिन जी जैसा कि आदेश 3 मार्च का उस समय भी आप जानते थे कि आचार संहिता लगी हुई थी और उसके बाद से तमाम जो हमारे घोषणा पत्र था उसको भी कार्यान्वित करना था और उस पर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया उस पर भी पार्टी अपना काम करेगी सरकार अपना काम करेगी और इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां तक कि मैंने आपसे बताया कि आज चाहे पिछड़ों दलित पिछड़ों की बात करते हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूं अगर सबसे ज्यादा किसी की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे आज राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद जी हो चाहे आज द्रौपदी मुर्मू जी हो उस सब में भागीदारी अगर किसी ने देने का काम किया है तो आपके राजभर जी भी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो आप चाहते थे वही किया और कभी भी भारतीय जनता पार्टी दलित अति दलित पिछड़ों की विरोधी नहीं गई है। इसीलिए जो इतना विरोध चुनाव के समय कर रहे थे वो भी आखिरकार हमारे साथ आए क्योंकि हमने कभी भी ऐसी जातियों को दरकिनार नहीं किया जो हमारे लिए और हमारे साथ हमेशा खड़ी होती है और हमारे देश में उनके विकास में अहम भूमिका रहती है। इसीलिए जिन जातियों को कोई पूछता नहीं था आज उनको चाहे बैंकिंग सिस्टम से हो चाहे उनकी जो भी बुनियादी सुविधाएं थी उनको पूरा करने का काम हमारे योगी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। नहीं त्रिपाठी जी मेरा सवाल ये था कि जो राजभर समाज के पक्ष हो या विपक्ष हो उनमें जो भी विधायक है आखिर वो इस उस मुद्दे पे हम माननीय राजभर जी के साथ क्यों नहीं आते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ क्यों नहीं इस बात को। देखिए मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ कि माननीय राजभर जी से भी कहिए कि सरकार से इस चीज पर बात करेंगे क्योंकि वो भी सदन के नेता हैं और वो भी अगर जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे लोग आपके पास नहीं आते हैं तो सरकार में हम हैं आपको भी हमारे पास आना चाहिए और अगर आप पॉजिटिव चीजें लेकर हमारे पास आएंगे तो बिल्कुल उस पर सहयोग किया जाएगा और जो भी प्रदेश के हित में और जो भी आप लेकर आएंगे हम उसको करने के लिए आपके प्रतिबद्ध हैं और आप उस पर कभी भी विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जनता के हितों में जो भी जातियों के हितों में जो भी होगा वो हम सब करेंगे। हाँ तो जो वही तो मैं बता रहा हूँ जो विपक्ष के भी जो राजभर समाज के जो विधायक चुन के आए उनको साथ में जब इस बात को सदन में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उठाते हैं तो उनको साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मीडिया के माध्यम से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो ये बात उनसे पूछेंगे जो विपक्ष में बैठे राजभर समाज के जो विधायक माननीय जो विधायक है उनसे बात पूछेंगे आखिर आप इस मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर जी के साथ क्यों नहीं आते हैं। इजाज़ अली जी मैं एक चीज ये बता दूं आपको सिर्फ कि जिस तरीके से आपने कहा समाजवादी से समाजवादी पार्टियों का तो चरित करनी और कथनी मैंने बता दी कि जिस तरीके से आज इन्होंने एक प्रत्याशी घोषित किया ना वो कहीं से जीत गई हैं ना कहीं समाजवादी के पास कोई वोट है जो उनको जिता सके केवल और केवल दलित विरोधी और पिछड़ों की विरोधी है केवल इसीलिए इन्होंने महिला को डमी के तौर पे खड़ा किया है केवल ये दलित अति पिछड़ों का इसलिए इन्होंने बेइज्जत कराने का काम किया है ये है इनका चरित्र ये है इनका चरित्र ये चरित्र है इनका ये पूरा प्रदेश जानता है। देखिए ये सब चला गया समय आप उसकी खा चुके हैं 2022 के चुनाव में आप किस मुंह से बोल रहे हैं चुनाव में आजमगढ़ हार गए रामपुर हार गए एमएमसी चुनाव हार गए आप किस तरीके से बोल रहे हैं आपके पास कोई है ही नहीं आप केवल टीवी पे बोल के जाइए इसी कमरों में आराम कीजिए आपके पास मुद्दे नहीं है आपके पास कोई भी जो संगठन नहीं है आप केवल केवल टीवी पर आके चले जाइए कुछ नहीं है पुल गिरा है आपने देखा होगा कहाँ गिरा है मुझे बता दीजिए। अरे इतने बड़े बड़े चैनलों पे चला आगे आप आपके चैनल पे समाजवादी का कोई चैनल होगा आपने देख लिया होगा देखिए कोई पुल नहीं
आप देखिए दिक्कत जुमलेबाजी करके जनता को भरमा कर जुमलेबाज कौन है? जनता ने 2014 से बार बार घोषणा करेंगे। अमित भाई जिम्मेदारी से बता दीजिए, घोषणा पत्र आपने एक को पूरा किया, आप बता दीजिए एक घोषणा जनता ने बता दिया, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मेडिकल दोबारा प्रदेश में जीत के आए हैं, ये हमारी जीत है, विकास का उपयोगी जीत है, विकास का ही शासन कीजिए भाई। आप लोगों का कुछ नहीं, कुछ नहीं, 108 एम्बुलेंस देने का काम किया, समाजवादी पेंशन देने का हमने काम किया, 27 लाख लोगों को लाभ देने का हमने काम किया, आपने तो अपना घोषणा ही पत्र पूरा नहीं किया। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, धमका करके डरा करके बेवकूफ बना करके। अच्छा आपने डर के वोट दिया था क्या समाजवादी को? डरे थे क्या आप सरकार में 2017 से 2022 के बीच में? अरे डरे थे क्या आप? जिस तरह से आप लोगों ने तो इसी गुंडाई की उत्पाद मचाया है। अरे गुंडाई तो हम देख रहे हैं आपकी, 70 में जाके जब धागा की तो आप यहां देख रहे हैं कैसक बाग में किस तरीके से गुंडाई की देख रहे हैं। अब आप कह रहे हैं हुए हैं किस तरीके की बात करते हैं? आपका केंद्रीय मंत्री गाड़ी चला देता, गुंडाई तो हम देख रहे हैं। अगर वो आसानी से देख ले पहली बार हुआ है, अगर ऐसी कोई घटना हुई तो आगे नेता के बेटे को भी जेल हुई है, हमने बचाने का काम नहीं किया है। गाड़ी चलाई में सालों गए तीन प्रजापति जो रेप का आरोपी था उसको बचाने के लिए चुनाव बजाय कर रहे थे, उसका क्या चरित्र आपका? आप किस मुद्दे बात कर रहे हैं? आपका चाम चरित्र चेहरा हो गया भाई, हो गया, हो गया, थैंक यू, थैंक यू, साबरी साहब के पास चलेंगे, हो गया, हो गया, रजिया सर, रजिया सर, बांटेंगे, जनता प्रजापति की पक्की साथ इलेक्शन जीत गई है, ठीक है, ठीक है, जनता के साथ वोट दे दिया, ठीक है, साबरी साहब, साबरी साहब, साबरी साहब, ये जो भी बातें चिल्ला रहे हैं रजी हसन जिन बातों को लेकर के, इन बातों को ये लेकर के 22 में भी आए थे, कोई फायदा नहीं हुआ, ये बेफिजूल के मुद्दे हैं, आप बताइए। नितिन जी देखिए, ये सपा भाजपा की जो नूरा कुश्ती है ये देश 30 साल से देख रहा है, आप समझ रहे हैं जी। देखिए मुसलमान जो है इस हिंदुस्तान में दो तरह की पार्टियां, एक संप्रदाय कही जाती है, एक सेकुलर कही जाती है, मतलब धर्मनिरपेक्ष, और ये दो वो पार्ट है चक्की के, इन दो पार्टों के बीच बेचारा मुसलमान पिस रहा है। और जहां तक हम मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, जैसे हमारे भाजपा प्रवक्ता या नेता कह रहे थे अमित त्रिपाठी जी कि देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो नितिन जी आप समझ लीजिए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, जो फाइल ऑफिस में 50 रुपए में खोज दी जाती थी आज 500 रुपए दिए तब वो खोज के निकालता है, वरना 100 रुपए बढ़ा दिए तो पूरी तरह मुंह बनाता है। दूसरी चीज, जिन दलितों की बात ये कर रहे थे तो इनको याद नहीं है, तो मैं बता दूं पिछली सरकार में इनके 2450 एनकाउंटर हुए थे जिनमें 1250 दलित थे, 800 के आसपास ब्राह्मण थे और प्लस मुस्लिम थे। तो अब इनसे ये पूछे किसके साथ है, ठाकुर कितने एनकाउंटर हुए जरा ये मुझे बता दे, या विपक्ष के कितने एनकाउंटर हुए? नहीं ये बात नहीं, ये उंगली ना उठाइए, ये पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ त्रिपाठी थोड़ा सारा, उसको समझ लीजिए कि जिस तरीके से इन्होंने विपक्षियों को टारगेट कर करके मारा वो बिल्कुल जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम है। मैं जातिवादी आदमी नहीं हूँ, ना जातिवाद पे बात करता हूँ, लेकिन जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है तो एक वर्ग कह जाता है ये बड़ी 30 वाली बात है, और ये 30 मुसलमानों को नहीं है, ये 30 ठाकुरों को भी है, ये 30 ब्राह्मणों को भी है, ये 30 दलितों को भी है, और ये जो झूठ बोलने वाली आदत है खत्म कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वर्ग कौन है ये पता नहीं चल पा रहा अभी सही से। 2022 में नीतीश जी इनको दलितों ने भी वोट दिया, मुसलमानों ने भी 11% वोट दिया, उसके बाद ये कहते हैं कि साहब एक वर्ग का हमें वोट नहीं मिला, अब इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और क्या हो सकता है नीतीश जी? ठीक है अमित भाई, देखिए सबसे पहले तो ये जिस तरीके की बात की है कि एनकाउंटर जो थे वो जातियों को थे, पहली चीज अपराधियों का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, और जिस तरीके से इन्होंने आगे मैं अपराधियों का धर्म नहीं होता है, बहुत डिस्टर्ब है आप, मानसिक दिवांगियापन आपका दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप जिस तरीके से ब्राह्मण के ठेकेदार बन गए, ब्राह्मण मैं आपके सामने बैठा हूँ, ब्राह्मण के ठेकेदार मत बनिए पहली बात, और जहां तक कि ब्राह्मणों की एनकाउंटर की बात आप कर रहे हैं, ब्राह्मण विकास दुबे जो कि एक हत्यारा था, जिसने एक सीओ जी जो भी ब्राह्मण था उसकी हत्या कराने का काम किया था, आप ठेकेदार मत बनिए, कौन आशीष मिश्रा, आशीष मिश्रा जी के पीछे आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों घर नहीं गिरा, बुलडोजर क्यों नहीं चला? देखिए देखिए सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर बैठे लोगों की मानसिकता में जाति का जहर है और ये जहर निकल नहीं पा रहा है। देखिए सारे विरोधी है, सारे लोग यहाँ पर बैठ के मोदी योगी के विरोध में बैठे हैं, उनको केवल एक काम अच्छा दिखा है, कहीं ना कहीं ऐसे गुंडे अपराधियों का खाता होना था, गुंडों का खाता हुआ है, ऐसे लोगों को पता होगा है, अलीगढ़ के पर डर होगा।
भी हो, किसी भी तरीके का इंसान हो, कब चलेगा बताइए ना। अरे ये बुलडोजर चल रहा है, थोड़ा जल्दी सुहेल देव, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सर्व समाज के उत्थान के लिए और एक संकल्प के साथ, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, इस सहयोग आपका और संघर्ष हम सबका, बिल्कुल सर, इसी की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी मूल मंत्र को लेकर हम जनता के बीच में है और लगातार गांव गली और जगह जगह हम काम कर रहे हैं और यही इसी को लेकर हम 2024 के चुनाव में जाएंगे और जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने काम करेंगे। जनता को विश्वास है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, समय थोड़ा कम है, खत्म करो, ये हम पार्लियामेंट में लेके पहुंचे, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए, तो 24 के लिए जो मंथन है वो लगभग सभी राजनीतिक दलों में चल रहा है, लेकिन बीजेपी इसमें काफी अव्वल है, क्योंकि लगातार अपने संगठन को मजबूत करना, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और उसको लेकर के किस तरह से आगे किस तरह से सरकार काम करेगी उसको बताने का प्रयास जो है वो लगातार सरकार की तरफ से चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो मुख्यमंत्री का बयान आया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग काफी उस बयान से नाराज हैं, लेकिन ये सारे मुद्दे पहले भी उठते आए हैं और विपक्षी पहले भी चिल्लाने के बाद निष्क्रिय हो गए हैं, तो 24 में इसका कितना असर होगा ये देखना है। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए, नमस्कार।